वेलकम टू डॉक्टर गार्डन। आज हम बात कर रहे हैं सह फसली की। ये जो गन्ना है ये रोजा सुगर मिल शाहजहाँपुर के अंतर्गत आता है और इसमें देखिए सह फसली की गई। ये नंबर वन में सोइंग की हुई गन्ना है और देखिए ये किले कितने हो गए इसमें, ये 15023 है, वैरायटी गन्ना है। और इसमें गन्ने के साथ साथ देखिए गन्ना है, ये सरसों हैं, ये देखिए सरसों हैं, इसमें देखिए गन्ना है। बाढ़ की वजह से थोड़ा गन्ना प्रभावित हो गया है, वैसे काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, बाढ़ की वजह से दोबारा गन्ना निकला है ये देखिए। और ये सरसों के पौधे कितने बड़े हो गए हैं ये देखिए, ये इस तरीके से है। थोड़ा गन्ना प्रभावित हो गया, बहुत बढ़िया गन्ना चला था लेकिन बाढ़ की वजह से थोड़ा दिक्कत आ गई है, दोबारा ये किले निकलने स्टार्ट हुए हैं गन्नों में। ये देखिए कितना बढ़िया टिलिंग हो रही है, अब बाढ़ आ गई थी एक बार इसमें तो इसीलिए ये थोड़ा दिक्कत हो गई है। ये देखिए कितने बढ़िया है, पानी लगाना है फिर से इसमें। ये सह फसली है, सरसों है, सरसों बस फूलने वाली है। ये देखिए टिलिंग कहीं कहीं बहुत बढ़िया है। ये बाढ़ के बाद का है, बाढ़ में एक बार गन्ना कति पूरा ख़राब हो गया था इसलिए थोड़ा उतना अच्छा गन्ना नहीं है, नाली में बोया था, लगभग 4.5 फीट की दूरी पे है। ये देखिए गन्ना कितना बढ़िया, ये सरसों देखिए, सरसों का पौधा ये कितना बढ़िया है। गन्ने के साथ साथ देखिए प्याज की पौध है तैयार कर रहे हैं हम लोग, ये प्याज की पौध वही है गन्ने के बीच में, इसी को बाद में लगा देंगे दूसरे खेत में। देखिए ये प्याज है, ये प्याज की पौध बोई गई है, ये देखिए कितनी बढ़िया है। और ये देखिए साथ में आप देख सकते हैं ये पालक बोया गया है गन्ने के बीच में, जो पालक देखिए कितना बढ़िया है। और इसमें कोई खाद ज़्यादा नहीं डाली गई है, बर्मी कंपोस्ट यूज किया गया है। और साथ में देखिए ये गन्ना है, 5 फीट की दूरी पे है करीब, यहाँ से देखिए यहाँ तक, ये देखिए दोनों के बीच की दूरी। और इसमें साथ में लहसुन लगाया गया है, ये देखिए लहसुन, इसमें ज़रा घास हो गई, घास निकलवानी है, आप देख सकते हैं लहसुन है। और इसमें ये बांकला की फली भी वही है, ये देखिए बांकला, बांकला बोया गया है, ये देखिए बांकला है, और ये देखिए बांकला का, ये बांकला है, ये जो है बांकला है। और गोभी भी बोई गई है, कहीं कहीं अलग अलग फसल लगाई है। ये देखिए लहसुन कितना बढ़िया है, ये देखिए लहसुन, लहसुन का है, ये बांकला की फली है, थोड़े दिन बाद बांकला आएगा इसमें, ये बांकला की फली है, इसमें बांकला लगाया गया। और ये देखिए गन्ना है, बाढ़ की वजह से थोड़ा गन्ना ख़राब हो गया है, उतना बढ़िया नहीं है जितना होना चाहिए था। और बीच बीच में टमाटर भी लगाए गए हैं, ये देखिए टमाटर के पेड़ हैं नाली से नाली के बीच में, गन्ने से ना दो गन्नों की नाली के बीच में टमाटर भी बोए गए हैं, लगाए गए हैं इसमें। और ये देखिए टमाटर में फूल भी आने लगे हैं, आप देख सकते हैं ये फूल आने लगे हैं टमाटर में, ये हैं देखिए कितना बढ़िया पौधा है टमाटर का। बरसात बाढ़ की वजह से थोड़ा इसमें दिक्कत है, ये देखिए टमाटर, ये देखिए इसमें टमाटर लगे भी हैं, ये देखिए आप, बढ़िया से हुए नहीं लेकिन इसमें टमाटर लग भी गए हैं। और साथ में ये देखिए साइड में गन्ना लगा है, देखिए फूल कितना बढ़िया है। और गोभी लगाई गई थी लेकिन जानवरों ने खा ली, कीड़े मकोड़ों ने, ये गोभी भी है इसमें, ये देखिए जानवरों ने खा ली, यहाँ पे जानवर बहुत हैं हाँ। और ये देखिए गन्ना, ये देखिए पत्ता गोभी है, साथ में काफ़ी जगह है बोया गया है, ये देखिए बोया गया है, सब अलग अलग फसल बोई गई हैं, सह फसली की गई है। और देखिए बांकला, ये बांकले की पौधा, ये कितना बड़ा हो गया बांकले का पौधा, ये देखिए बांकला फली जो कि खाने में यूज होता है, सह
सब्जी के रूप में यूज की जाती है। अभी इसमें काफ़ी जगह खाली थी, बोई पहले गई थी, लेकिन बाढ़ की वजह से अब सब खराब हो गया है। ये सरसों का पौधा है, देखिए कितना बढ़िया है। और ये देख सकते हो गन्ना, बड़ा इतना अच्छा नहीं है लेकिन तब भी, ये देखिए, ये देखिए फिर से वो निकल रहा है, फिर से टेलिंग स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, थैंक यू।